चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। जो इनसे सवाल करता है उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि देशद्रोही है, ये गद्दार है। इनसे जो सरकार से जो सवाल करता है उसको यही करते हैं। अगर वो कन्हैया देशद्रोही है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या है? वो तो 9 साल जेल में रही। नमस्कार, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। हम अभी बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में हैं। बेगूसराय के अभी हम बारो गांव में हैं। बारो गांव कई सदियों से, या शायद इस गांव के इतिहास में कभी भी ऐसी घड़ी नहीं रही होगी जब यहां अलग अलग समुदायों के बीच में, और ख़ास करके यहां के हिंदू और मुसलमानों के बीच में, कभी भी सांप्रदायिक रूप से हिंसा रही हो या टकराव रहा हो। लेकिन 3 अक्टूबर 2017 को बारो गांव में पहली बार यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक टकराव हुआ था। क्या यह एक राजनीतिक षड्यंत्र था? क्या इसका आने वाले चुनाव पर भी कुछ ना कुछ असर होने वाला है, खास करके यहाँ बेगूसराय सीट पर? मैं आपको ये दिखा दूँ, इस गांव के इतिहास में अगर आप देखेंगे, एक सेकंड थोड़ा साइड, यहाँ पीछे एक इमाम बाड़ा है और इसके ठीक पीछे एक मंदिर है। यही इतिहास रहा है बारो गांव का, जहाँ पर इमाम बाड़ा और मंदिर बिल्कुल साथ साथ रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि बल्कि इमाम बाड़ा की जो स्थापना करी थी वो यहाँ गांव के हिंदुओं ने ही करी थी। खैर, बात करते हैं कि क्या हुआ है, क्या अभी रिश्ते में सुधार आया है, क्या असर रहा है और इस चुनाव में उसका क्या असर रहेगा। आप लोग बताइए ज़रा, ये बारो गांव में ये जो हुआ है पिछले साल, इसका क्या फ़र्क पड़ा है, क्या इसका असर रहा है आपके यहाँ पर? असर सबसे ज़्यादा तो मार्केट के लोग पर ही असर पड़ा। जब ये घटना हुई थी, 2 से 3 मंथ मार्केट का जो एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस होता है वो कि बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। लोग कस्टमर इधर उधर जाने लगे, बहुत दुकानदार को परेशानी होने लगी। फिर फिलहाल धीरे धीरे अभी सब नॉर्मल है। अभी आपने कहा मार्केट पर भी बहुत फ़र्क पड़ा, यहाँ पर कस्टमर कम आने लगे। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, इस चुनाव में इसका कुछ आपको असर लग रहा है, ये होगा आने वाले चुनाव में? और क्या आपको लगता है कि ये सब ये चुनाव के लिए ही किया गया था? ये सब चुनाव ही के लिए हुआ था, क्योंकि वो लोग अपना बसप जमाने के लिए कर रहा था और वोट बांटने के लिए। आप लोग इस बार चुनाव में किसके साथ हैं? बारो गांव के आप लोग जो हैं सब यहाँ खड़े हैं, आप किसके साथ हैं? ओनली फॉर के के। हाँ जी, ओनली फॉर के के, कन्हैया कुमार। अगर संविधान को रक्षा कर रहा है तो वो कन्हैया कुमार। इसलिए हम लोग यहाँ दोनों समुदायों के लोग ये मन में ठान लिए हैं कि कन्हैया को सांसद बनाना है और केंद्र भेजना है, जो कि हमारे हक के लिए बात कर सकते हैं। महागठबंधन की बात, जो कि यहाँ की तनवीर हसन जो बोल रहे हैं, वो 24 साल से MLC है। एक MLC को 1 साल में 1 करोड़ रुपये का लोन आता है। वो कहाँ पर मुस्लिम के बीच में वो फंड को यूज़ किए हैं वो आगे बताएं। और जो कन्हैया कुमार का हम लोग लक्ष्य है वो हासिल होगी, और बहुत अच्छे तरीके से वो जीत हासिल होकर हम लोग वहाँ केंद्र तक पहुँचाएगा। ये जब तनाव हुआ था आप लोगों के यहाँ पर, आपके गांव में, तो क्या यहाँ पर नेता नहीं आए थे इसके बीच में? खास करके अभी जो नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके वोट मांगने आ रहे हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो तनवीर हसन हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, या इनकी पार्टी से लोग नहीं आए थे आपके बीच में एक माहौल सुधारने के लिए? कोई नहीं आया था। CPI के लोग आए थे। CPI के लोग आए थे। क्या किए थे CPI के लोग? भारत शांति मार्च निकाले थे, बस यही नारा दे रहे थे, भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, माहौल को शांत कर रहे थे, ठंडा कर रहे थे। बाकी कोई पार्टी का लोग नहीं आया। तो जिस मुद्दे के साथ मोदी सरकार बनी, और जब सरकार केंद्र के सरकार में आ गए, तो हिंदुस्तान में उनका खिलाफ करने वाला कोई नहीं था। लेकिन JNU में कन्हैया कुमार ने उन आवाज़ को 2017 में उठाया, और जब आवाज़ को उठाया वो आवाज़ रोहित बोमुला के लिए था, छात्र नजीब के लिए था, जिनको इन लोगों ने गायब कर दिया था, ABBP के नेताओं ने गायब कर दिया। सरकार इस पर निष्क्रिय रही और कुछ नहीं किया। इस आवाज़ को बुलंद करते रहा कन्हैया, और कन्हैया जो आवाज़ उठाया वो किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है, वो शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश की एकता और अखंडता के लिए, भारत के संविधान को बनाए रखने के लिए उसने आवाज़ उठाया। जो संविधान पर ये सरकार
धीरे धीरे इस पर कटाक्ष कर रही है, इस समाधान को बदलने की कोशिश कर रही है, अल्पसंख्यक को तंग और परेशान करने की कोशिश कर रही है, महादलित के लोगों को परेशान किया जा रहा है, आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इस आवाज़ को लेकर कन्हैया कुमार ने आवाज़ उठाया और ये क्षेत्र, ये पार्टी ने नहीं, ये क्षेत्र से आवाज़ उठाई कि बेगूसराय से का उम्मीदवार हमारा कन्हैया कुमार होगा और हम सारे लोग कन्हैया कुमार के साथ हैं। आप नौजवान बताइए, आप लोग क्यों हैं कन्हैया कुमार के साथ? आपको नहीं लगा था कि उनके ऊपर देशद्रोह के इल्ज़ाम लगे? अगर जो इनसे सवाल करता है उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि देशद्रोही है, ये गद्दार है, इनसे जो सरकार से जो सवाल करता है उसको यही करते हैं। अगर वो कन्हैया देशद्रोही है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या है, वो तो 9 साल जेल में रही, उसको भाजपा टिकट देती, जो देशद्रोही है उसको देशभक्त साबित करती। तो आप लोग अभी पिछली बार आप सबने कहाँ वोट किए थे अगर मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। इस बार आप लोग कन्हैया कुमार और उसको जिताएंगे और सब लोगों ने ठान लिया कि कन्हैया को जिताना। हम लोग की एक ही मानता है कि देश हमारा मस्जिद मंदिर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर नहीं चलेगा, देश हमारा चलेगा संविधान से, और संविधान से चलाने के लिए एक ऐसी सरकार का गठन हो जो देश को एक साथ से एक सूत्र में बांध के लेकर चले। आप सब लोग देख सकते हैं इस बार स्पष्ट रूप से ये बोला जा रहा है कि इस बार मंदिर मस्जिद पर वोट नहीं पड़ेंगे, इस बार हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो समझ रहे हैं कि यहाँ पर कि देश के संविधान को जो खतरा है, उस संविधान को बचाने के लिए, उस संविधान को बनाए रखने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए वोट पड़ेंगे। और यहाँ पर सबको यकीन है कि कहीं ना कहीं बेगूसराय से कम वो आवाज़ कन्हैया आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चलचित्र अभियान के साथ।